نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العزيم. महतरम नाजरीन किराम अल्लाह तबारक व ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया है कि वो दीन इस्लाम पर मुकम्मल तरीक़े से चलने की कोशिश करे अपने हर तौर तरीक़े के अंदर दीन इस्लाम को लाए क्योंकि अल्लाह तबारक व वताल के नज़दीक सिर्फ़ एक दीन इस्लाम ही ऐसा मजहब है जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है इन दीना इन इस्लाम कि अल्लाह ताला के नज़दीक दीन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम ही है इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है व अनहादा सिराती मुस्तकीमन फ़त्ओ कि ये मेरा सीधा रास्ता है तुम इसकी पैरवी करो और दूसरों के रास्तों पर मत चलो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से दूर कर देंगे इसको आम फहम अंदाज में इस तरीक़े से समझा जा सकता है कि तुम इस्लाम के मुकम्मल निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो इस्लाम ने जिन चीज़ों का तुमको हुक्म दिया है जिन बातों से तुमको रोका है उन बातों से रुक जाओ और गैरों के तरीक़े पर जो गैरों के तरीक़े हैं गैरों के मतदात हैं गैरों की रसूमात और गैरों के रस्म व रिवाज है उन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाओ क्योंकि गैरों के तरीक़े पर चलना गैरों के रस्म व को अपनाना गैरों के मजहबी त्यौहार को अपनाना ये तमाम चीज़ें तुमको अल्लाह के रास्ते से दूर कर देगी अल्लाह से तुमको दूर कर देगी दीन इस्लाम से ये चीज़ें तुमको दूर कर देगी इसीलिए इसी की मुनासिबत से एक चीज़ जुरों की तरफ़ से आज हमारे समाज के अंदर मुस्लिम माशरे के अंदर ख़ास तौर पर शरायत कर चुकी है वो है हर साल चौदह फरवरी को मनाया जाने वाला वेलेंटाइन डे ये वेलेंटाइन डे ये ऐसा फहाशी और बेहयाई का दिन है कि इस दिन को आज मुस्लिम समाज के अंदर भी बड़े ज़ोर व शोर से मनाया जाता है और ख़ास करके स्कूलों और कॉलेज के अंदर ये दिन मनाया जाता है स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर लड़का लड़कियाँ एक दूसरे को फूल दे करके गुलाब दे करके के का इजहार करते हैं सबसे पहले हम ये जानें कि वेलेंटाइन डे की तारीख क्या है चुनाची इसके हवाले से एक तारीख बहुत ज़्यादा मशहूर है कि तीसरी सदी ईस्वी में ईसाइत का एक पादरी था वैलेंटाइन वेलेंटाइन जिसका नाम था वो एक राहिबा के इश्क में गिरफ़्तार हो गया था अब चूंकि ईसाइत के अंदर राहिब और राहिबा का एक दूसरे से या किसी से भी शादी करना मना था जो ईसाई पादरी होते थे जो राहिब और राहिबा होते हैं उनका शादी करना ईसाइत के अंदर बिल्कुल मना था अब वो राहब एक राहिबा के इश्क़ में गिरफ्तार हो गया उससे मोहब्बत करने लगा तो उसने ये ख्वाब घड़ा कि अपनी राहिबा को उसने बतलाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि चौदह फरवरी की रात में चौदह फरवरी की रात में अगर कोई भी पादरी या राहिब या राहिबा आपस में सन्फी मिलाप कर ले, या आपस में नाजायज ताल्लुकात अगर क़ायम भी कर लें तो आप उनको एक दूसरे को इस चीज़ का गुना नहीं मिलेगा चुनाची जब उसने राहिबा से यह ख्वाब बताया तो राहिबा ने उसके ख्वाब को मुकम्मल करने में उसका पूरा पूरा साथ दिया और वो तमाम काम कर बैठे जिन चीज़ों को ईसाइत के अंदर ममनू करार दिया गया था यानी जीना वो तमाम वो दोनों के दोनों कर बैठे अब ज़ीना हो गया अब लोगों को मालूम हो गया अब वही हश्र होना था जो आम तौर पर होता है जब ईसाइयों को और लोगों को मालूम हुआ कि राहिब और राहिबा एक दूसरे से नजायज़ ताल्लुकात क़ायम कर बैठे और इन दोनों ने जिना कर लिया अब लोगों ने उनके इस गुना की वजह से इस जुर्म की वजह से उन दोनों को कत्ल कर दिया उन दोनों को फांसी दे करके कत्ल कर दिया अब जो मंचले होते हैं जो नौजवान होते हैं उन्होंने अब वेलेंटाइन के मरने की वजह से उसको शहीद मोहब्बत करार देकर 14 फरवरी को उसके नाम से वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया शहीद मोहब्बत के नाम से अब हम इस तारीख़ से इस वाक़े से अंदाज़ा लगाए कि ये जो वेलेंटाइन डे का दिन है ये किस बेहयाई के दिन से शुरू हुआ है और किस बेहयाई और गुनाह के काम से ये दिन और ये त्यौहार शुरू हुआ है एक तो इसकी बुनियाद ही जिना के ऊपर है आपस में उन लोगों ने ज़िना किया वेलेंटाइन ने राहिब और राहिबा ने ज़िना किया जिना की वजह से वो लोग मारे गए और कत्ल हुए और हम लोग उस जिना की वजह से जिना के मरने की वजह से ज़िना करके हम उसका जीना का दिन बना रहे हैं हम मुसलमानों की इतनी बेअली और कम समझी है कि हम लोग कुछ समझते ही नहीं हैं गैरों की अंधी तकलीद हम इस तरीक़े से कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं होता कि हम जिन लोगों की नकाली कर रहे हैं या जिस त्यौहार को हम मना रहे हैं वो किन खराबियों और किन गलत कामों पर मुश्तमिल है एक तो ये दिन ही जिना के ऊपर मुश्तिल है और अल्लाह तबारक व कुरान करीम के अंदर जीना के बारे में फ़रमाया वाला तक रबना इन नहू का नाफ़ाशा कि तुम जीना के करीब भी मत जाओ क्योंकि वो बेहयाई है वसा असबीला और बुरा रास्ता है और जो चीज़ हराम चीज़ का सबब होती है वो भी हराम हुआ करती है जिस तरीक़े से जीना करना हराम है इसी तरीक़े से जो चीज़ जीना तक ले जाने वाली है वो भी हराम होती है वेलेंटाइन ये जो एक दूसरे को हम फूल दे करके मोहब्बत का इजहार करते हैं ये भी ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीना तक पहुंचा देती है क्योंकि इंसान जीना एकदम नहीं करता बल्कि जो उसके असबाब होते हैं हम एक दूसरे को फूल देंगे लड़का लड़की एक दूसरे को फूल देंगे गिफ्ट देंगे आपस में उनके मोहब्बत पैदा होगी ये ज़ीना का एक रास्ता खुल जाएगा आगे चल करके वो ज़ीना भी कर बैठेंगे इस वजह से ये जो वेलेंटाइन डे है ये बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है ख़ास करके मुसलमानों को वेलेंटाइन डे मनाना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ये बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है क्योंकि ये बेहयाई के ऊपर मुश्तमिल है और दूसरी बात ये गैरों का तरीक़ा है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया है मन बिकौमिन फहुवा मिनहुम कि जो किसी कौम की मुशाबात इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार होगा इब्तिदा में ये चीज़ यूरोप के अंदर मनाया जाता था ईसाई मनाते थे लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ मुसलमानों के अंदर भी आम हो चुकी है इसलिए अल्लाह तबारक व ताल ने शरीयत इस्लामिया ने मुसलमानों को हया का हुक्म दिया है कि वो हया के साथ रहे करीम के अंदर अहादीफ़ के अंदर हया की बड़ी अहमियत बयान की गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अल ईमान व अइमान बज़ुमसब मिन अल ईमान के हया के सत्तर से जायद श शोबे हैं और सबसे अजीम शोबा हया का व ईमान है कहीं कहीं फरमाया कि हया ये दीन इस्लाम का एक इम्तियाजी वस्फ है अल अलया उलयात इल्ला बे हया ज जिस शख्स के अंदर होगी जिस इंसान के अंदर होगी वो हमेशा भलाई और खैर ही लाएगी और दूसरी तरफ जो लोग हया का ख्याल नहीं रखते बेहयाई फैलाते हैं कुरान करीम के अंदर उनके लिए बड़ी सख्त वहीद है इन लदीनफाशतफिल्लीन आमन अज़ाबल फ्फिल हयाति दुनिया बल आखिर कि जो लोग ईमान वालों के अंदर बेहयाई और फ़ोहाशी फैलाते फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब है और ये जो वेलेंटाइन डे है ये बेहयाई और फुहाशी के ऊपर ही मबनी है जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो बेहयाई और फुहाशी ही फैला रहे हैं और अल्लाह ताला ने क़ुरान में इस आयत के अंदर बड़ा सख्त अजाब उनके लिए फ़रमाया है कि ईमान वालों में जो बेहयाई फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब है और दूसरी चीज़ इंसान जब हया इंसान के दरमियान से ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है हदालम दस्ता ही फसना माशीता कि जब तुझको हया ना रहे जब तेरे पास हया ना रहे तो फिर जो चाहे तू कर बैठे और दूसरी चीज़ हया सिर्फ लड़की के लिए लाजिम नहीं है हया के अंदर लड़की के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी लड़के के लिए भी हया ज़रूरी है जितनी हया औरत के लिए ज़रूरी है उतनी ही हया मर्द के लिए भी ज़रूरी आज हमारे माशरे में हया का जब भी जिक्र होता है तो हमारे जहन में सिर्फ औरत ही आती है हालांकि जितना हया औरत के लिए लाजिम है इतनी ही हया मर्द के ज़िम्मे भी लाजम है इसलिए ये जो बेहयाई का दिन है इससे हम सबको बचने की ज़रूरत है इसलिए ये जो वेलेंटाइन डे है इसकी तारीख को भी हमको जहन में रखना चाहिए कि ये किस बेहयाई के ऊपर ये तारीख़ शुरू होती है ज़िना से ये तारीख़ शुरू होती है और आज जिस चीज़ पर हम चल रहे हैं जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो भी हमको ज़ीना और बेहयाई की तरफ पहुंचा रही है इसलिए हम सबको ख़ास करके कर्नाटक की जो बहादुर बेटियां हैं उनसे हमको सबक लेना चाहिए किस तरीक़े से वो हया की खातिर इस्लाम की खातिर पर्दे की खातिर अपनी जान की बाजी लगा रही है वो सिखा रही है हम सब को कि किस तरीके से तुमको हया के दायरे में रहना है वो पर्दों के लिए लड़ रही है पर्दों के लिए अपनी जान निछावर कर रही है सलाम है उन बहनों को जो इस माहौल के अंदर भी इस गंदगी के माहौल के अंदर भी आज अपने आप को पाक साफ रखे हुए हैं और अपनी हज़रत फातिमा अल्लाह अल्ला की बेटी होने का सबूत दे रही है हमको सीखना चाहिए हम जो वेलेंटाइन डे के मौके पर एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को हम ये फूल देते हैं मोहब्बत का इज़हार करते हैं इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना फ़रमाया है एक सहाबी एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया अल्लाह के नबी मैं अपनी ख्वाहिश से बेचैन हो गया हूँ आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए सहाबे के राम रज़ी मजमैन जो अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे उनको गुस्सा आ गया कि ये अल्लाह के नबी से किस तरीक़े से बात कर रहा है और किस चीज़ की इजाज़त तलब कर रहा है वो गुस्से की वजह से उसको मारने के लिए चले अल्लाह के नबी ने सहाब के राम को रोक दिया कि तुम इसकी ख्वाहिशात से वाक़ नहीं हो फिर के नबी ने बड़ी प्यार से शफ़त भरे अंदाज में उस शख्स से पूछा कि भाई आप मुझसे जिस चीज़ की इजाज़त चाह रहे हो अगर कोई शख्स तुम्हारी माँ के साथ ये काम करे क्या तुम इसको पसंद करोगे क्या तुम इसको बर्दाश्त कर लोगे वो कहने लगा नहीं फिर अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ ये काम करे तो क्या तुम उसको बर्दाश्त कर लोगे वो कहने लगा कि नहीं फिर अल्लाह के नबी ने बहुत सारे रिश्तों का वास्ता दे करके पूछा कि क्या जिसके साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो किसी की माँ नहीं है वो किसी की बेटी नहीं है वो किसी की बहन नहीं है जब तुम अपनी माँ बहन बेटी के साथ ये काम करना पसंद नहीं करोगे इसको बर्दाश्त नहीं करोगे तो वह भी तो किसी की माँ है वो भी तो किसी की बहन है वो भी तो किसी की बेटी है उसके साथ तुम ये करना कैसे ब... 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 पसंद कर लेते हो तो ये अल्लाह के नबी ने उनको बड़े शफकत भरे अंदाज़ में समझाया फिर अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ की अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा इसके दिल को इस नापाकी से महफूज फरमा और इसके दिल के अंदर इस जिना की नफ़रत पैदा फ़रमा अल्लाह के नबी की इस दुआ से वो सहाबी फिर ऐसा इनकलाब उनकी ज़िंदगी के अंदर आया कि जब भी एक तो वो घर के अंदर रहा करते थे जब भी घर से कभी निकलते थे तो अपनी निगाह को हमेशा नीचे रखा करते थे ये भी हमको भी आज ये चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है कि अगर हम आज किसी की बहन को किसी की बेटी को किसी की माँ को अगर हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या हम उसके साथ अगर बुरा कर रहे हैं तो वो चीज़ आगे चलकर हमारे साथ भी हो सकती है ये दुनिया का मामला है ये हमारे साथ भी पेश आ सकती है इसलिए इस वक्त में कर्नाटक के अंदर जो हमारी बहनें हिजाब की खातिर लड़ रही है इस्लाम की खातिर लड़ रही है हम ये आजम करें कि हम किसी दूसरे की माँ बहन बेटियों को गुलाब देने से बेहतर है कि हम अपनी बहनों को अपनी बेटियों को हिजाब का तोहफा दे हम उनको हिजाब दे और उनको ये बाबर कराए कि हिजाब की इस्लाम में क्या अहमियत है अल्लाह तबारक वताल ने अल्लाह के नबी ने जो बापर्दा रहने का हुक्म दिया है उसकी कितनी अहमियत इस्लाम के अंदर है ये हम गैरों को इस बात का अंदाज़ा कराए कि हिजाब हमारा हक है और हम अपनी हर बेटियों को हर बहनों को इसकी अहमियत को उजागर करें कि हिजाब हमारे नज़दीक क्या अहमियत रखता है अल्लाह ताला हम सब को बेहयाई के कामों से महफूज फरमाए और दीन इस्लाम पर चलने के तहफ़ेत फरमाए